दुनिया कहती है कि जमुना जी का स्तर बढ़ रहा है, चिंता का विषय हो रहा है, मगर जो मरघट वाले को मानते हैं उन्हें पता है कि जमुना जी का अगर स्तर बढ़ रहा है तो मरघट वाले के चरणों को छूकर वापस हो जाएगी, इसलिए स्तर बढ़ रहा है। और दुनिया में एक अकेला मंदिर ऐसा है हनुमान जी महाराज का, क्योंकि हनुमान जी वो है अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनजुवन कृशानम ज्ञानी नानकगण्यम सकल गुण निधानम मानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। दुनिया में ऐसी कोई भक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, दुनिया में ऐसी कोई मुक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, दुनिया में ऐसी कोई युक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, सनातन धर्म का कोई ऐसा मंदिर नहीं जिसके अंदर हनुमान जी का वास नहीं। और दिल्ली के तो बच्चे बच्चे के मुंह पर मरघट वाले का नाम रहता है साहब, हनुमान जी महाराज के क्या कहने। आइए उन्हीं हनुमान जी महाराज के चरणों में, 3-4 साल पहले एक भजन लिखा था मरघट वाले बाबा के लिए। जब दिल्ली पहली बार दीदार हुआ मुझे मरघट वाले बालाजी का, आइए वही रचना आपके बीच में। कौन कौन मानते हैं मरघट वाले बाबा को, एक बार जरा जोरदार जयकारे से आवाज लगे। मरघट वाले बाबा की। अरे मेहंदीपुर से आकर बाबा, बन गए दिल्ली वाले हैं। हमारे चंडीगढ़ में कोई मरघट वाले नहीं कहता, बोले दिल्ली वाले बालाजी के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली वाले बालाजी के। तो मैंने यही लिखा, अरे साला सर से आकर बाबा बन गए दिल्ली वाले हैं। कौन है? मरघट वाले हैं वो बाबा, मरघट। आप भी गा दीजिए एक बार और, मरघट। आप ये मत सोचना कि हनुमान जी के मंदिर में माताएं बहनें नहीं जा सकती, ऐसा नहीं। हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी ने भी तो जन्म अंजनी माता से लिया था। दरबार में आप सब अंजनी माता के रूप में उनके सामने बैठी हैं, सीता माता के रूप में बैठी हैं, और जो प्रेम मातृत्व का आपसे उन्हें मिलेगा वो दिल्ली में मुझे नहीं लगता कहीं और से मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल बगल में मरघट वाले बालाजी हैं। तो आइए जरा मिलकर प्रेम से कहना, मरघट वाले हैं वो बाबा, मरघट वाले खोलकर। हमारे चंडीगढ़ में कहते हैं जिनके हाथ थल्ले उनके कुछ नहीं पड़ता पल्ले, और जिनके हाथ ऊपर उनकी बल्ले बल्ले। तो मरघट वाले हैं वो बाबा, मरघट कसम नहीं खा सकता, मगर आज इस दरबार में जो उठाए दोनों हाथ आप चले जाना उनके साथ, और जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली। ये बात एक दो तीन गोटा हाथ में खोटा देव बड़े निराले हैं। मेहंदीपुर कौन कौन गए हैं? बाबा। और जो नहीं गए, हम नहीं जाते, बोले भूत हैं, लेकिन भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
हनुमान जी के पास दो चीजें हैं, घोटा और सोटा। सोटा किसके लिए? भूतों के लिए। और घोटा कुबेर का दिया है। कुबेर कौन? धन के देवता। कुबेर का दिया हुआ घोटा है कि हनुमान जी जिस पर प्रसन्न होकर रख दिया उसकी बल्ले बल्ले, और जिस पे गुस्से से रख दिया वो फिर कितनी थल्ले जाएगा ये नहीं पता लगेगा सर। तो जिसको घोटा प्रेम वाला चाहिए दोनों हाथ खोल के, लाल घोटा हाथ में घोटा देव बने निराले हैं। कहते हम खाली आ गए, मंदिर गए, हमारी तो बात नहीं बनी। अरे उनको यहां पे कुछ नहीं मिलता, किनको? अरे जिनके भी दिल काले हैं। सूट कहां से लाए, साड़ी कहां से लाए, कल दुकान कौन जाएगा, फैक्ट्री कीर्तन में ये बातें नहीं। बाद में कहते फाइल साइन नहीं हुई, यहां तो आ गए तो उनके हो गए। उनको यहां कुछ नहीं मिलता, जिनके भी दिल काले हैं। और बाबा मुझे नहीं लगता कि इनके दिल काले हैं। दिल काले तो घर में सो गए कार्ड को देखकर भी, लेकिन जिनका दिल साफ था, आपसे मिलने की नियत थी, आपने उनको दरबार में बुलाया है। अगर उठाएं दोनों हाथ तो आप चले जाना इनके साथ। मरघट वाले हैं वो बाबा, मरघट वाले हैं। अरे मेहंदीपुर से आकर बाबा, मेहंदीपुर से आकर बाबा, मेहंदीपुर से आकर बाबा, बन गए दिल्ली वाले हैं। हनुमान जी, हनुमान जी रिटेलर नहीं है, चांदनी चौक में खड़ा हूं, रिटेलर नहीं है, होलसेलर है। जो काम करते हैं थोक में करते हैं। फूटी लेने गए, पूरी डिस्पेंसरी उठा लाए। अकेली माता का पता लगाना था, पूरी लंका जला कर आ गए। और जो चाहते हैं कि जैसे लंका जलाई हमारे घर का कलेश भी जला दे, तो उठा लेना जरा दोनों हाथ, और जरा ताली बजा के ये बात। भला जी दिल मेरा खो गया तेरे सालासर में, भला जी दिल मेरा खो गया तेरे सालासर में। सालासर कितने भगत गए हैं, वाह वाह वाह। और जो नहीं गए शर्माना मत, सालासर करीब 270 साल पुराना दरबार, जहां पर 270 साल से जोत चल रही है और हनुमान जी महाराज विराजित हैं। तीन चीजें चढ़ती हैं। सालासर गए हैं आप, क्या चढ़ा कर आते हो? लड्डू और चूरमा, किस किस को बनाना आता है चूरमा? अरे वाह, नहीं तो एक सासू जी ने नई बहू से पूछा, बेटा तुझे रसोई में क्या क्या आता है? बोले मुझे चक्कर आता है, मुझे पसीना आता है, क्या क्या बताऊं क्या क्या आता है। आप तो खुशकिस्मत है, चूरमा बनाना आता है। अच्छा भोग लगाते हो लड्डू चूरमा,
किससे पूछ के लगाते हो? ए जी लड्डू लगा दे क्या? चूरमा मत लेना, चिंटू खिंडा देता है। बाबा से कोई नहीं पूछता, जो बाबा से पूछते एक बार बताओ जरा, जो आगे से पूछेंगे दोनों हाथ खोलकर जरा ताली बजाकर एक बार, ये बात ये बात। ओ बालाजी दिल मेरा रो गया तेरे साला सहे, बालाजी दिल मेरा रो गया तेरे साला सहे, बालाजी दिल मेरा रो गया तेरे साला सहे में, सवा रुपया और नारियल जाकर धोक लगा लेना, जाकर धोक लगा लेना, जाकर धोक लगा लेना। अब सवा रुपया कहां से लाए? वहम वहम की कोई दवा नहीं, अहम की और वहम की इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी दवा है तो प्रभु का नाम। हनुमान जी पे सिंदूर किस किसने चढ़ाया? सबने चढ़ाया। पांव पे चढ़ाए कि सिर पे बताओ? सिर पे, पांव पे। सुनो इसका जवाब कौन दे? 7 दिन से एक आदमी हनुमान जी के सिर पे सिंदूर चढ़ा रहा था, 8वें दिन पांव पे चढ़ाने पहुंच गया, दूसरे ने देखा ये 7 दिन से सिर पे चढ़ा रहा है और मैं पांव पे चढ़ा रहा हूं तो मैं गलती कर रहा हूं, और जो सिर पे चढ़ा रहा था 7 दिन से उसे चिंता हो गई, बोले ये पांव पे चढ़ा रहा है मैं 7 दिन से गलती कर रहा हूं। इसका जवाब कौन दे? इसका जवाब कोई और नहीं, आपकी अंतरात्मा देगी। आपके सिंदूर में रंग हो ना हो, आपका मन रंगा हुआ होना चाहिए साहब। आप कहीं से भी शुरुआत करो, नहीं तो दुनिया कह देगी गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी, और वहां जाना पड़ेगा। दोनों हाथ खोलकर प्रेम से, सवा रुपया और नारियल झोले में भरवा देना, जाकर भोग लगा लेना, जाकर भोग लगा लेना, जाकर भोग लगा लेना। मरघट वाले से फिर मन चाहा वर पा लेना, उतना मीठा मिलता उनको, उतना मीठा मिल जाएगा, उतना मीठा मिल जाएगा जितना मीठा डाले हैं। जिस भावना से आओगे उस भावना से सब कुछ लेकर जाओगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत है देखी तैसी। दुनिया वाले कहते हैं दिल्ली के नौजवान पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, आकर देखे चांदनी चौक में ये भाई इतनी दूर से इतनी देर से नाच रहा है। दिल्ली के नौजवान भाई बालाजी महाराज के नाम का नशा करते हैं और कोई नशा नहीं करते साहब। तो प्रेम से मरघट वाले हैं वो बाबा, मरघट वाले दिल्ली साला सर मेहंदीपुर, मेहंदीपुर से आकर बाबा, मेहंदीपुर से आकर बाबा बन गए दिल्ली वाले हैं। और आपके अगर बाबा हैं तो दोनों हाथ खोलकर प्रेम से, ओ मरघट वाले हैं वो बाबा, पित्तल पर भी कृपा करके दर उसको दिखला देना, दर उसको दिखला देना, दर उसको दिखला देना, दर उसको दिखला देना, दर उसको दिखला देना। इत्र मैं भी अगले भजन में बताऊंगा इत्र की महिमा क्या है। मित्तल पर भी कृपा करके दर उसको दिखला देना, दर उसको दिखला देना, दर उसको दिखला देना, दर उसको दिखला देना। कौन कौन चाहता है कृपा बालाजी की?
मरकट वाले के दर्शन जो करना चाहता है, अगर उसकी मर्जी नहीं तो 20 कदम दूर से भी अंदर दर्शन नहीं कर सकते, भीड़ में जाओगे, भीड़ में धक्के लग के बाहर। लेकिन उसकी मर्जी है तो 1000 किलोमीटर से भी दूर आओगे और 10 मिनट तक दरबार में दर्शन करते रहोगे। तो जिसको खुले दर्शन चाहिए दोनों हाथ खोलकर प्रेम से, हम पर भी तुम कृपा करके दर अपना दिखला देना, दर अपना दिखला देना, दर अपना दिखला देना, दर अपना दिखला देना। जो भी तेरी शरण में आए सोए भाग जगा देना, 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 सोया भाग जगा देना। अपने अगर भाग जगे हुए तो पड़ोसी के लिए ताली बजा लेना, चारों हाथ उठाना दो अपने दो पड़ोसी के, ताकि बात बन जाए दोनों हाथ खोलकर सिर्फ 20 सेकंड के लिए ये बात, हर सोया भाग जगा देना। समझ में आई जब पूरा भजन लिखने लगा, आखिर में अपने दिल की बात कह दी कि दिल्ली किसकी, दिल वालों की दिल्ली, तो मैंने अपने दिल की बात लिख दी। अरे दिल्ली में रह करके बाबा, दिल्ली में रह करके बाबा, अजी बन गए दिल्ली वाले हैं। आपके हैं कि नहीं है, जोरदार जयकारा लगाओ जरा बालाजी का, बालाजी महाराज की। ऐसी आवाज नहीं आती, एक बार पूरे जोश के साथ बोल बालाजी महाराज की। अरे दिल्ली में रह करके बाबा बन गए दिल्ली वाले हैं। और हे बालाजी महाराज, जो उठाएं दोनों हाथ आप चले जाना उनके साथ, और जो बजाए ताली सातों जन्म करना रखवाली, और प्रेम से कह देना मर घट वाले हैं तो बाबा मर घट की।